नमस्ते। श्रेणी 8 विषय संस्कृत। एकम 5 शिलायाः प्रवासः शब्दार्थाः भ्रमण भाषण मोबाइल फोन कृत्वा करिमि आम हा किश्चि काय तया सह तेनी साथे कर्तु करवा प्रेषयति मोकलेचि अम्ब माता कथम केम भवत्याह तमारो अथवा तारो सम्यक सारी रीते शोभनम सार तत्र ज्ञान अन्य दिजु अत्र अहि अस्मादिह सह अमारी साथे मार्गदर्शकः भूम्यो अथवा गाइड तेषां ते कानिचित केतली छायाचित्राणि तस्वीरो गमिष्यामः जैसु सम्यक रीत्या सारी रीते टिप्पणी पुस्तके डायरीमा। विद्यार्थी मित्रों, आपणे सौ क्यारेक ने क्यारेक स्कूलमांथी प्रवासमां जईए छीए अथवा तो क्यारेक पोताना परिवार साथे पण प्रवासमां जईए छीए। आ प्रवास दरमियान त्यांना फोटोग्राफ्स पाड़िए छीए, तेना इतिहास विषय अने ते स्थानोनी विशेषता विषेनी जानकारी पण मेळवीए छीए अने जे नोटबुकमां लखीए छीए। आ एकममां पण आ प्रवासनी जानकारी आपवामां आवी छे। तो चालो आपणे पाठ अने ते पाठना भावार्थ विषेनी जानकारी मेळवीशुं। सविता भ्रमण भाषण कृत्वा हरिओम सविता मोबाइल फोन करीने हरिओम शिक्षिका हरिओम कह वदती शिक्षिका हरिओम कौन बोलो छो सविता अहम शिलायाः मातां वदामि प्रवासे मम पुत्री अस्ति सविता हूँ शिलानी माता बोलू छु प्रवास मा मारी पुत्री छे शिक्षिका आम अस्ति किश्चित कार्य अस्ति वा शिक्षिका हाँ छे शू कई काम छे सविता आम अहम तया सह वार्तालापं कर्तुम् इच्छामि शिक्षिका शिलां प्रति भ्रमण भाषण प्रेषयति सविता हाँ हूँ तेनी साथे बातचीत करवा इच्छु छु शिक्षिका शिला तरफ मोबाइल फोन मोकले छे शिला अम्ब कथम अस्ति सर्व कुशलं वा शिला माता केम छो बधु कुशल छे ने सविता आम अहम कुशलिनी भवत्याः प्रवासः कथं प्रचलति सविता हाँ हूँ मजामां छु तारो प्रवास केम चाले छे शिला प्रवासः तु सम्यक् प्रचलति अधुना अहम् अजन्ता गुहायाम् अस्मि शिला प्रवास तो सारी रीते चाले छे अत्यारे हूँ अजन्तानी गुहामां छु सविता शोभनम् तत्र किं किं अस्ति सविता सारु त्यां शू शू छे शिला अत्र अनेकानि चित्राणि सन्ति शिला अही अनेक चित्रो छे सविता तत्र कानि चित्राणि सन्ति सविता त्यां कया चित्रो छे शिला भगवान बुद्धस्य चित्र सुंदरम अस्ति अन्यम च
चतुर्मुखस्य हिरणस्य चित्रम् अपि मनोहरम् अस्ति। अन्यानि बहूनि सुन्दराणि चित्राणि अपि सन्ति। शिला भगवान बुद्धनु चित्र सुंदर छे। अने बीजु चार मुख वाला हरणनु चित्र पण मनोहर छे। अही घना सुंदर चित्रों पण छे। सविता पद्म पाण्याह चित्र तत्र अस्तिवा। सविता सु त्या पद्म पाणीनु चित्र छे। पद्म पाणी एटले के भगवान विष्णुनु चित्र छे। शिला आम अस्ति अस्माभिः सह मार्गदर्शकः अपि अस्ति। शिला हा छे अमारी साथे भूम्यो एटले के गाइड पण छे। सविता सह किम वदति। सविता ते सु कहे छे। शिला सह बौद्ध गुहायाः विषये अस्माभिः सह वार्तालापं करोति। अपि च गुहायाः इतिहासं अपि कथयति। शिला ते बौद्ध गुहा विषये अमारी साथे वातचीत करे छे। वळी ते गुफानो इतिहास पण कहे छे। सविता तेसा स्थानानां केचि फोटोग्राफ आनयति। सविता ते स्थानोनी केटली तस्वीरो लावजे। शिला अवश्य आनयामि। शिला जरूर लाविस। सविता अजन्तातः प्रवास कुत्र गमिष्यति। सविता अजन्ताथी तमारो प्रवास क्या जसे। शिला अजन्तातः वयम् दुस्मेश्वरम्। शिला अजन्तातः वयम् दुस्मेश्वरम्। दुस्मेश्वरतः शिर्डी। शिर्डीतः त्र्यम्बकेश्वरम्। त्र्यम्बकेश्वरतः नासिकं गमिष्यामः। शिला अजन्ताथी अमि दुस्मेश्वर। दुस्मेश्वरथी शिर्डी। शिर्डीथी त्र्यम्बकेश्वर। अने त्र्यम्बकेश्वरथी नासिक जयसु। सविता शोभनम् प्रवासः शिक्षणस्य भागम् एव अस्ति। तर्हि सम्यक् रीत्या प्रवासं करोतु। प्रवासे यं यं पश्यति तत् सर्वं टिप्पणी पुस्तके लिखतु। सविता सरस प्रवास शिक्षणनो एक भाग ज छे। तो सारी रीते प्रवास करजो। तमे प्रवासमां जे जे जुओ ते बधुं नोटबुकमां लखजो। शिला आम अवश्यं लेखिष्यामि। शिला हाँ जरूर लखिस। सविता अपि च प्रवास स्थानस्य विशेषतां तथा तस्य स्थानस्य इतिहास विषये अपि लिखतु। सविता वळी प्रवासना स्थानोनी विशेषता अने ते स्थानोना इतिहास विषये पण लखजे। शिला अवश्य चलतु पुनः मिलामः। शिला चौकस चालो फरीथी मळीशु। सविता पुनः मिलामः। सविता फरी मळीशु। आ पाठमां ए सवितानी पुत्री छे अने शिला ए प्रवासमां जई रही छे। माता तेने ए प्रवासना स्थानोनी अने तेना विषय अथवा तो तेनी विशेषता विषय लखवानी अने फोटोग्राफ लावानी वात करे छे। स्वाध्याय प्रश्न एक
नीचेना शब्दोनुं मोटेथी उच्चारण करो। विद्यार्थी मित्रों, आपेला ए शब्दों बोलवा अने नोटबुक में लखवा। प्रश्न बे, आपेला प्रश्नोना जवाब संस्कृत में लखो। सवाल एक, का दूरभाषम करोती? सविता दूरभाषम करोती। बीजो, शीला कस्याः पुत्री अस्ति? शीला सवितायाः पुत्री अस्ति। त्रीजो, शीला कुत्र गच्छति? शीला प्रवासे गच्छति। चौथो, शीला किं किं पश्यति? शीला अजंता गुहायां भगवान बुद्धस्य चित्रम् अन्यं च चतुर्मुखस्य हरिणस्य चित्रम् अन्यानि बहूनि सुंदराणि चित्राणि च पश्यति। प्रश्न त्रण, उदाहरण मुजब आपेला वाक्योने प्रश्नवाक्यमां फेरवो। उदाहरण, शीला अजंता गुहायां अस्ति। शीला कुत्र अस्ति? एक, महेशः उद्याने अस्ति। महेशः कुत्र अस्ति? बे, फरीदा वाटिकायां अस्ति। फरीदा कुत्र अस्ति? त्रण, सुनंदा शालायां अस्ति। सुनंदा कुत्र अस्ति? उदाहरण, शीला गृहतः मंदिरं गच्छति। शीला कुतः मंदिरं गच्छति? शीला गृहतः कुत्र गच्छति? एक, नरेन्द्रः कार्यालयतः गृहं गच्छति। नरेन्द्रः कुतः गृहं गच्छति? नरेन्द्रः कार्यालयतः कुत्र गच्छति? बे, विनयः क्रीडांगणतः वाटिकां गच्छति। विनयः कुतः वाटिकां गच्छति? विनयः क्रीडांगणतः कुत्र गच्छति? त्रिजु, अलका पालनपुरतः गांधीनगरं गच्छति। अलका कुतः गांधीनगरं गच्छति? अलका पालनपुरतः कुत्र गच्छति? चार, उदाहरण मुजब वाक्यो बनावो। उदाहरण, नटराजः चित्रं। नटराजस्य चित्रम् अस्ति। वेदान्तः पुस्तकं। वेदान्तस्य पुस्तकम् अस्ति। पार्थः कन्दुकं। पार्थस्य कन्दुकम् अस्ति। कल्पेशः लेखनी। कल्पेशस्य लेखनी अस्ति। कर्णः कुण्डलं। कर्णस्य कुण्डलम् अस्ति। निसर्गः गृहं। निसर्गस्य गृहम् अस्ति। उदाहरण, शीला पुस्तकं। शीलायाः पुस्तकम् अस्ति। रेखा द्विचक्रिका। रेखायाः द्विचक्रिका अस्ति। विद्या प्रभावः। विद्यायाः प्रभावः अस्ति। त्रिजु, कृपा आसन्दः। कृपयाः आसन्दः अस्ति। चार, मीना पाठशाला। मीनायाः पाठशाला अस्ति। अनीक्षा शाटिका। अनीक्षायाः शाटिका अस्ति। पाँच, आपेला वाक्योने संस्कृत भाषामां लखो। आरती जामनगरथी राजकोट जाय छे। आरती जामनगरतः राजकोटं गच्छति। हर्षा अमरेलीथी जूनागढ़ जाय छे। हर्षा अमरेलीतः जूनागढ़ं गच्छति। मिहिर अहमदाबादथी सूरत जाय छे। मिहिर अहमदाबादतः सूरतं गच्छति। कुमार भुजथी अहमदाबाद जाय छे। कुमार
भुजतः अहमदाबादम गच्छति। उषा वडोदराथी राजपीपळा जाय छे। उषा वडोदरातः राजपीपळाम गच्छति। विद्यार्थी मित्रों, आपेला शब्दार्थ त्रण वखत लखवा, भावार्थ अने तेनुं संस्कृत लखीने मोढे करवुं अने स्वाध्याय लखवो।